वो देखे जिम्बाब्वे में इंडिया ने 8 मेन प्लेयर बिठाए और कितने ओवर पहले जीते। कि मैं आप दोस्तों को, पाकिस्तानी दोस्तों को जो डाउट कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, आज हो गई 19, 28 तारीख को आपने मैच खेलना है इंडिया के साथ एशिया कप, आपको लग पता जाएगा क्या लगा रहे हैं। टाइम टाइम फिश नीदरलैंड के खिलाफ पूरी 100% टीम खिला दी, एक शाइन के अलावा उसे भी रखा हुआ, जहां जरूरत पड़ी खिला देंगे चुप करके अंडर द टेबल। तो ये तो हमारी डर और खौफ का हाल है। तो जनाब कल इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जीत हुई और बड़ी जीत हुई, भारत की जिम्बाब्वे पर 10 विकेट से जीत और पाकिस्तान की 98 गेंद पहले 7 विकेट से जीत। लेकिन फिर भी बहुत सारे फर्क थे। क्या फर्क थे? अप्रोच का फर्क था। पाकिस्तान डर डर के खेल रहा है, पाकिस्तान की पूरी टीम खेली थी और यहाँ पर 8 खिलाड़ी नहीं थे, सबको चांस दिया जा रहा है और वहाँ डर डर के खेला जा रहा है। आपने इंट्रो में कुछ देख लिया, देखते हैं कंपेरिजन कैसे थे दोनों मैचेस। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत कैसी है, कौन सी जीत बड़ी है। जीत के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं दोनों को कंपेयर करने के, तो चलिए देखते हैं। यस, बाबर इज एंजॉयिंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बट ही प्लेस फॉर रिकॉर्ड्स। ये कोई तरीका नहीं है कि आप रिकॉर्डों के लिए खेलें। अच्छा खेला है, कोई शक नहीं है कि जनाब मैं आपको उसकी बताऊं, बाबर आजम लास्ट 9 ओडीआई इनिंग्स 158, 57, 114, 105 नॉट आउट, 103, 77, 174 और आज फिर 57, टोटल 746 रन। यस, 93.25 एवरेज है, 850s है, उनसे ज्यादा है, 400 है, फिनोमिनल है। लेकिन टीम के ऊपर कितनी परफॉर्मेंसेस, कितनी इनसे जीत में खत्म हो रही है। बात यह है कि मैं बाबर आजम के, इमामुल हक के या फखर जमान के या हसन अली के, इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं इनकी अप्रोच के खिलाफ हूं। बात वही है, बड़ी टीमों के खिलाफ कंसिस्टेंट परफॉर्म करना। बैजबॉल अगर ब्रैंडन मैकमेलन और ये ब्रैंडन मैकलम और ये जो है बेन स्टोक्स, अगर इतने जो दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे, दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर है, आप हार्दिक पांड्या को किस तरह कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या कोई मेरे घर में रोटी नहीं डालता, ना मेरा हार्दिक पांड्या से कोई सलाम दुआ भी हुई है। हक की बात करनी चाहिए, जिसको समझ आती है, थैंक यू वेरी मच। टाइम विल प्रूव, टाइम विल टेल, टाइम दिखा रहा है इस वक्त दुनिया क्रिकेट का नंबर वन व्हाइट बॉल क्रिकेट का राउंडर जो है हार्दिक पांड्या बाय लॉन्ग वे है। कोई अगर उसके करीब है तो आई वॉन्ट टू नो दैट नेम, मुझे बताएं अगर आपके पास कोई हार्दिक पांड्या से बड़ा और राउंडर, चाहे वो बेन स्टोक्स है, चाहे वो शकीबुल हसन है या कोई और, हालांकि फास्ट का फास्ट से मिलाए कोई है तो नाम बता दें, मैं कहूंगा यस आप ठीक फरमा रहे हैं। तो भाइयों बात यह है कि जो सच बात होती है वो अपना खुद ब खुद जो है रास्ता बना लेती है, और जो पर्चियां होती हैं वो पर्चियां ही रहेंगी, चाहे 100 मैच हो चाहे 200 मैच हो। बाबर और रिजवान और एक आध प्लेयर शाइन शाह माइनस, पाकिस्तान डस, पाकिस्तान फस। तो आपको नहीं समझ आती, वो देखे जिम्बाब्वे में इंडिया ने 8 मेन प्लेयर बिठाए और कितने ओवर पहले जीते, कितनी विकेटों से जीते। हालांकि केएल राहुल ने उन्हें 70 रन की 9वीं विकेट की पार्टनरशिप लगवाई, 19 रन की 10वीं, 9 रन की 10वीं भी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बावजूद दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंस, दिस इज कॉल्ड हाउ टू टैकल विद द लोअर रैंक टीम, दिस इज कॉल्ड द बेंच स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड द टैलेंट, दिस इज कॉल्ड द गट्स, दिस इज कॉल्ड द डिजायर, दिस इज कॉल्ड द हंगर, दिस इज कॉल्ड द वे हाउ टू प्ले। आपको नहीं आता, आप जलते रहे, आप कुड़ते रहे। ये मैं आप दोस्तों को, पाकिस्तानी दोस्तों को जो डाउट कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, आज हो गई 19, 28 तारीख को आपने मैच खेलना है इंडिया के साथ एशिया कप, आपको लग पता जाएगा। मुझे क्या मसला है, मुझे कोई मसला नहीं है।
अल्लाह मेरा जानता है कि मैं ईमानदारी से, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मेरे ख्यालात गलत नहीं है, मेरी सोच गलत नहीं है, मैं ना इंडिया इंडिया करता हूं ना मैं कुछ और करता हूं, मैं बात करता हूं परफॉर्मेंसेस की, मैं बात करता हूं, वो देख लें इंडिया आपके सामने हर फील्ड में मेडल्स के ढेर लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, टाइम टाइम फिश नीदरलैंड के खिलाफ पूरी 100% टीम खिला दी, एक शाइन के अलावा उसे भी रखा हुआ जहां जरूरत पड़ी खिला देंगे चुप करके अंडर द टेबल। तो ये तो हमारी डर और खौफ का हाल है। आप लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान कब जो है नए बच्चों को चांस देगा, इनमें तड़ नहीं है, इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें वीरन नहीं है, ये गुलाम है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, रमीज राजा 2000 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहे, वो सिर्फ रेलू कट्टों को अपने नवाजेगा। आप ईमानदारी से बताएं क्या इस वक्त नजदीक भी है हार्दिक पांड्या, कहा था जब ये फिट होगा, जब ये फोकस्ड होगा, किसी का बाप हार्दिक पांड्या के नजदीक नहीं आ सकता, हुआ कि नहीं हुआ? जो बातें मैं करता आया हूं, बिश्नोई का कहा, स्काई का कहा, गिल का कहा, राहुल का कहा, पंत का कहा, हार्दिक का कहा, संजू का कहा, रोहित शर्मा की कप्तानी की बात की, बताएं मुझे कोई बात गलत हुई? आप बता दें, इंडिया की जीत में जलन होती है आपको? ओह वाला जोक, जोक ऑफ द सेंचुरी आपने कहा है। इधर वाले कहते हैं आप इंडिया चले जाओ, आप इंडिया की तारीफ करते हो, उधर वाले कहते हैं आपको जलन होती है और मैं केड़े पासे जावा? सब क्या इंडिया की सपोर्ट की है मैंने, आप मुझे बताएं। अगर 10 विकेटों से जीता है वो तो मैं क्या कहूं, नहीं जीता है। पाकिस्तान ने 109 की पार्टनरशिप लगाई, बाहर आरिस रऊफ के 6 ओवर रहते थे, 5 ओवर नसीम शाह के रहते थे, मैं ना कहूं, क्या कहूं, बल्ले बल्ले बल्ले। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कोई नजदीक नहीं है हार्दिक पांड्या के, और अब तो उनकी कप्तानी भी जो है वो काबिले तारीफ है। एनीवे एशिया कप नजदीक आता जा रहा है, बस ये सीरीज खत्म और समझिए एशिया कप की तैयारियां शुरू। अभी सिर्फ इन सीरीज पर बात करेंगे, गिल और शिखर धवन की कमाल की बैटिंग पर हमने कल भी बात की थी, कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से शाम को, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, जय हिंद।